जगह पे आप खड़े हैं, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जमीन है। इस जगह को हम बोलते हैं स्पेंगूर गैप। 1962 में इस गैप के बाएं और दाहिनी तरफ जो पहाड़ियां हैं, वहां पर घमासान लड़ाई हुई थी चाइनीज के साथ में। जो पहाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मगर हिल। और इसी मगर हिल की लाइन से सीधा अगर आप ऊपर जाएं, तो है मुखपारी और रिजांग। उस समय भारतीय सेना का डिफेंस मगर हिल पे था और रिजांगला हिल पे था। इस इलाके में 13 कुमाऊं डिप्लॉय थी और एक बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर 114 जवान अपने शहीद हुए थे। और उस समय दुश्मन के लगभग 400 आदमी शहीद हुए थे। और इसी लड़ाई की वजह से हम ये कह सकते हैं कि चुशूल और लद्दाख 1962 में बच गया। परमवीर चक्र मिला मेजर शैतान सिंह को इन्हीं पहाड़ियों पर रिजांगला की लड़ाई में। और इसके अलावा कई अवार्ड्स मिले, जिसमें 9 महावीर चक्र और 27 वीर चक्र मिले इस भूमि के ऊपर। अभी जो इलाका आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं गुरुम हिल। और इसी के पीछे छुपा हुआ है गोस्वामी हिल। आर्टिलरी का एक फायर ऑफिसर कैप्टन गोस्वामी, उनकी मदद से या उनकी कार्यकुशलता से ये इलाके पर भी घमासान लड़ाई हुई। इस पर गोरखा के ट्रुप्स थे और उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लड़ाई की, जिसकी वजह से दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। और इस आर्टिलरी फायर की वजह से, खास तौर पर जो गोस्वामी हिल से फायर आया, उसकी वजह से ये इलाका बचा और दुश्मन के ऊपर भारी नुकसान हुआ। और इसी के नाम पर, इन दो महान योद्धाओं के नाम पर, हमने इसको गुरुंग हिल और गोस्वामी हिल के नाम से आज इसको जानते हैं। और इसी इलाके से थोड़ी और दूर पेंगोंगसो लेक के पार है वो इलाका जिसका नाम है श्रीजत, जहाँ पर लेट मेजर धन सिंह थापा ने दुश्मन को भयंकर लड़ाई के बाद बहुत ही नुकसान पहुंचाया और वहाँ पर उनको परमवीर चक्र मिला। ये 18 GR के बहादुर जवान इस इलाके में तैनात थे और उन्होंने भारतीय सेना का एक बहुत ही अच्छा नमूना इस लड़ाई में पेश किया। और आज भी हम दोनों रिजांगला और श्रीजब की लड़ाई को याद करते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से भारतीय सेना 1962 के अंदर एक महान सेना के तौर पर उभरी और जो हमारे दुश्मन थे, उन्होंने हमारा लोहा माना।